नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें गुरुग्राम में होने वाले हरियाणा प्रवासी दिवस को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा स्टेट नर्सेज एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल बिल 2017 के ड्राफ्ट को यहां पर बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बैठक में हरियाणा के करीब सभी कैबिनेट मंत्री यहां पर शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि गुरुग्राम में होने वाले हरियाणा प्रवासी दिवस को लेकर यहां पर चर्चा की गई। इसके अलावा अन्य कई अहम मुद्दे थे जिन पर विचार विमर्श किया गया है। हरियाणा स्टेट नर्सेज एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल बिल के ड्राफ्ट को इस बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 30 से ज्यादा एजेंडे इस बैठक में शामिल किए गए और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ललित शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, कई अहम बिल जो है उनको ड्राफ्ट किया गया इस बैठक में, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई इस बैठक में? मोनिका, निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि नए साल में ये पहली हरियाणा की जो कैबिनेट बैठक थी, और अगर हम बात करें तकरीबन 30 एजेंडाज है जिनके ऊपर बात की गई। लेकिन अगर मुख्य एजेंडाओं की बात करें तो हरियाणा जो नर्सिंग काउंसिल है या फिर नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल है, उस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का अपना एक काउंसिल होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें मोनिका, तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो रिड्रेसल है, यानी जो लोग ओवरलोडिंग करते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उस वाले डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं उनको ड्रेस दे दी गई है। यानी कहीं भी जाकर उस ड्रेस को पहनकर वो अब नाका लगा सकते हैं और जो लोगों की धरपकड़ कर सकते हैं, जिससे ओवरलोडिंग हो या फिर ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस या फिर ओवर स्पीडिंग के केसेस है, उस पर कमी लाई जा सके। उसके अलावा मोनिका, एक जो अहम इशू है जिस पर आज कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है या फिर जिस पर चर्चा की गई है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट्स है कई विभागों की, जो 10 सालों से जो रिपोर्ट्स है, हर साल जो बनती है रिपोर्ट्स, उसके ऊपर आज चर्चा की गई। और कई ऐसे विभाग हैं जिसने पिछले तकरीबन 10 साल पुरानी जो रिपोर्ट्स है उसको आज कैबिनेट में पेश किया और उनके ऊपर भी आज चर्चा की गई। उसके अलावा मोनिका, एक और जो मेन इशू है जिस पर बात की गई है, जो स्किल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नया विभाग है उसका भी गठन बना गया, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये तमाम ऐसे इशूज है और एजेंडा है जिनके ऊपर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। जी, क्या बजट सत्र को लेकर कोई चर्चा? मोनिका, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से सूत्र बता रहे थे सुबह से कि कैबिनेट पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो हमारी जानकारी मिली है और जिस हमारे सूत्रों से जो पता चला है, कैबिनेट के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। जो 30 एजेंडाज है, जिसमें एक तो नर्सेज, जो हरियाणा नर्सेज काउंसिल जिसका गठन किया गया है, या फिर जो प्रशासनिक रिपोर्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर ही चर्चा की गई है। तो ये जो तमाम चीज़ें इन्हीं पर चर्चा की गई है, लेकिन जो बजट सत्र है उसके ऊपर किसी भी तरह की चर्चा की जो बात है वो सामने नहीं आई। जी ललित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।